मेरा नाम मोहम्मद रोजी सजल, मैं डूंगी का रहने वाला हूँ और मैं कक्षा 6 में पढ़ने वाला एक छात्र हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी सपा सरकार में योजनाएं आई, वो आज तक किसी सरकार ने योजनाएं नहीं लाई है और ना ला पाएगी। आपने फैन तो एक से बढ़कर एक देखे होंगे। आज हम आपको अखिलेश यादव के बड़े फैन से मिलवाते हैं, बोले तो जबरा फैन, ऐसा फैन जो बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देगा। वो जब बोलता है तो बाकी लोग सिर्फ सुनने को मजबूर हो जाते हैं। ये लड़का कौन है, कहां का रहने वाला है, ये तो हम आगे बताएंगे, लेकिन एक बार आप इस लड़के की बात तो सुनिए, आप भी इसके फैन हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी सपा सरकार में योजनाएं आई, वो आज तक किसी सरकार ने योजनाएं नहीं लाई है और ना ला पाएगी। कोई सरकार, सपा सरकार के अलावा कोई भी सरकार नहीं लाई पाएगी। और ये मेरा प्रण है, इस बार राजा अजय जी ही विधायक सरेनी से बनेंगे। ये मेरा कहना है कि राजा अजय जी इस बार सरेनी से विधायक बनेंगे। और इस बार देखिए, जब सपा सरकार थी तो हाई स्कूल की बालिकाएं जब ये पास करती थी उसको, उनको 30,000 रुपए, यानी आप अनुमान लगा सकते हैं 30,000 रुपए और लैपटॉप, आज 3,000 रुपए देने वाली कोई सरकार नहीं है। और उनकी सरकार में 30,000 रुपए मिलते थे, तो आप कह सकते हैं कि जो गरीब बालिकाएं हैं उनका वो कैसे पढ़ पाएंगी। तो इसीलिए साइकिल पर ही आप लोगों को बटन दबाना है और साइकिल को ही है आप लोगों को जिताना है। और सपा सरकार को इस बार 350 पार ले जाना है। वैसे बच्चा बच्चा आज अखिलेश बोल रहा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी गरीब ने डिजिटल पावरफुल बनने का सपना अगर पूरा किया तो अखिलेश यादव के दौर में पूरा किया। आप पूछेंगे कैसे, तो ऐसे। वर्ष 2012 से 2014 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार में 14,81,118 लैपटॉप बांटे गए। सिर्फ आगरा जिले में 38,615 लैपटॉप बांटे गए। अलीगढ़ जिले में 20,293 लैपटॉप बांटे गए। इलाहाबाद जिले में 69,395 लैपटॉप बांटे गए। अंबेडकर नगर में 40,177 लैपटॉप बांटे गए। अमेठी में 13,165 लैपटॉप बांटे गए। बहराइच में 15,782 लैपटॉप बांटे गए। अखिलेश यादव के शासनकाल में ही गरीब बच्चों को लैपटॉप मिला और डिजिटल सहारा मिला। ये तो महज चंद जिलों के आंकड़े हैं। लेकिन इन आंकड़ों से पता चल जाता है कि जब मोदी जी ने भी डिजिटल इंडिया की बात नहीं सोची थी, तब अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के बच्चों को डिजिटल बनाने का सपना पूरा किया था। हालांकि इसे बाद की सरकारों और चंद अधिकारियों ने रोक दिया। मेरा नाम मोहम्मद रोजी सजल, मैं डूंगी का रहने वाला हूँ और मैं कक्षा 6 में पढ़ने वाला एक छात्र हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी सपा सरकार में योजनाएं आई, वो आज तक किसी सरकार ने योजनाएं नहीं लाई है और ना ला पाएगी। कोई सरकार, सपा सरकार के अलावा कोई भी सरकार नहीं लाई पाएगी। और ये मेरा प्रण है, इस बार राजा अजय जी ही विधायक सरेनी से बनेंगे। ये मेरा कहना है कि राजा अजय जी इस बार सरेनी से विधायक बनेंगे। और इस बार देखिए, जब सपा सरकार थी तो हाई स्कूल की बालिकाएं जब ये पास करती थी उसको, तो उनको 30,000 रुपए, यानी आप अनुमान लगा सकते हैं 30,000 रुपए और लैपटॉप, आज 3,000 रुपए देने वाली कोई सरकार नहीं है। और उनकी सरकार में 30,000 रुपए मिलते थे, तो आप कह सकते हैं कि जो गरीब बालिकाएं हैं उनका वो कैसे पढ़ पाएंगी। तो इसीलिए साइकिल पर ही आप लोगों को बटन दबाना है और साइकिल को ही है आप लोगों को जिताना है। और सपा सरकार को इस बार 350 पार ले जाना है। हमारे मुलायम सिंह यादव जी अब तो वृद्ध हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भी इतने काम करा दिए। हालांकि इस वीडियो में लड़का अपना नाम खुद बता रहा है, वो अपना पता भी बता रहा है। एकदम नेता जैसा भाषण, एकदम नेता जैसी बॉडी लैंग्वेज। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर ये तक लिखने लगे हैं कि ये लड़का बड़ा होकर खुद एक नेता बनेगा। कि
वो आज तक किसी सरकार ने योजनाएं नहीं लाई है और ना ला पाएगी। कोई सरकार, सपा सरकार के अलावा कोई भी सरकार नहीं ला पाएगी। और ये मेरा प्रण है कि इस बार राजा अजय जी ही विधायक सरेनी से बनेंगे। ये मेरा कहना है कि राजा अजय जी इस बार सरेनी से विधायक बनेंगे है, और साइकिल को ही है आप लोगों को जिताना है, और सपा सरकार को इस बार 350 पार ले जाना है। बहरहाल अखिलेश यादव बच्चों के हमेशा फैन रहे हैं और बच्चे उनके। अगर आपको याद हो तो ये तस्वीर देखिए, ये नोटबंदी की लाइन में जन्मा बच्चा था जिसका नाम अखिलेश यादव ने खजांची नाथ रखा था। खजांची को उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा तोहफा दिया था। अखिलेश ने खजांची को गाँव पहुँच कर उसके दूसरे जन्मदिन के मौके पर माता पिता को घर की चाबी भी सौंपी थी। इस दौरान उन्होंने खजांची का जन्मदिन 11 किलो का केक काट कर मनाया था। प्रचार के दौरान बच्चों से मिलना हो या फिर अखिलेश के प्रचार में बच्चों का पहुंचना, इसकी भी तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी। इसलिए कहते हैं अखिलेश यादव का काम बोलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।